तीसरी लहर का डर सताने लगा है। वहीं आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर से बच्चों पर ज्यादा संक्रमित होने का खतरा है, जिसको देखते हुए नर्मदे युवा सेना गरीब बस्तियों और कॉलोनी में जाकर भाप की मशीन वितरित कर रही है, ताकि छोटे छोटे मासूम कोरोना को मात दे सके। मध्य प्रदेश में वैश्विक महामारी कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप से कोहरा मचा हुआ है। अब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, जिससे बच्चों पर ज्यादा संक्रमित होने का खतरा है। कोई भी बच्चा कोरोना की तीसरी लहर और कुपोषण से प्रभावित नहीं हो, इसके लिए नर्मदे युवा सेना ने पहल की है। नर्मदे युवा सेना प्रतिदिन गरीब बस्तियों कॉलोनी में जाकर अधिक से अधिक बच्चों को भाप की मशीन वितरित कर रही है। दरअसल कोरोना से लड़ने के लिए शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होना चाहिए, जिसके लिए पौष्टिक आहार के साथ भाप की जरूरत होती है। भाप कोरोना से लड़ने के लिए बचाव करता है, इसलिए नर्मदे युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेश अग्रवाल ने अभियान चलाकर गरीब बस्तियों और कॉलोनी में जाकर भाप की मशीन वितरित करने का बीड़ा उठाया है, जिससे तीसरी लहर से बच्चे कोरोना को मात दे सके। इस दौरान संस्था के सोनू सोना ने रोशनी ठाकुर, अखिलेश सितवर, पंकज जाधव, डोली सोनी, गौतम शर्मा, नितिन सोनी, मोनू सोनो ने, सागर सोनो ने सहित सभी लोग उपस्थित रहे।